हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, कलर्स टीवी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कलर्स टीवी पे आने वाला है एक और नया अपकमिंग शो। अभी कलर्स टीवी के रियलिटी शो द बिग पिक्चर के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी थी, और अब एक फिक्शनल शो स्टार्ट होने वाला है कलर्स टीवी पे, जो कि शोने स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस के तरफ से आने वाला है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और किस किस को कास्ट के लिए रोप इन कर लिया गया है उस पर हम नज़र डालने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अखिलेंद्र मिश्रा पहला नाम है जिनको फाइनलाइज यानी कि लॉक इन कर लिया गया है इस शो के लिए, शोने स्क्वायर प्रोडक्शंस का जो शो होने वाला है। तो अखिलेंद्र मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक एक्टर हैं, दोनों ही मूवीज़ और टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रोल्स कर चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, और वो इस शो के लिए उनको लॉक इन कर लिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करने के लिए। आई मीन शो के जो मेन रोल्स होते हैं उनमें से एक वो प्ले करने वाले हैं इस शो में। अब बाकी और कास्ट की बात कर लें तो गाइस, एक्ट्रेस खालिदा को भी रोप इन कर लिया गया है इस शो के लिए, उनको भी लॉक कर लिया गया है इस शो के लिए, यानी कि फाइनलाइज हो चुकी हैं वो भी दोनों टेलीविज़न और मूवीज़ का हिस्सा रह चुकी हैं। रिसेंटली इश्क में मरजावा सीज़न 2 का वो पार्ट रह चुकी हैं, और बॉलीवुड फिल्म्स की अगर हम बात करें तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फितूर, टाइगर जिंदा है और रेड, ऐसी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवीज़ में, प्रोजेक्ट्स में वो काम कर चुकी हैं, और इस शो में वो हिस्सा होने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्टार कास्ट सामने निकल के आ रही है इस शो की हमारे पास। अब बढ़ते हैं बाकी कास्ट की तरफ। तो गाइस, फराह लखानी को भी रोप इन कर लिया गया है इस शो के लिए। फराह लखानी भी काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज़ में नज़र आ चुकी हैं, जैसे कि हर मर्द का दर्द, क्या कसूर है अमला का, और हमारी वाली गुड न्यूज़ जो कि जी टीवी का शो है। तो इस तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज़ का हिस्सा रह चुकी हैं, और फराह लखानी इस शो का भी हिस्सा होने वाली हैं जो कि कलर्स टीवी पे आने वाला है। बाकी कास्ट पे चलते हैं तो एक्ट्रेस शिरीन मिर्ज़ा को भी कास्ट कर लिया गया है इस शो में, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस सीरियल में। वो दिख चुकी हैं काफ़ी दूसरे शोज़ में, जैसे कि ये हैं मोहब्बतें, ये हैं आश की, ढाई किलो प्रेम, और काफ़ी शो से वो फेमस हैं। और शिरीन मिर्ज़ा इस शो में भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली हैं। जो भी कास्टिंग मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उन सबके इंपॉर्टेंट रोल्स ही होने वाले हैं इस शो में, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास उनके करेक्टर पर डिटेल्स नहीं है, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा जल्दी है इस शो पे। आई मीन इतनी ज़्यादा डिटेल्स अभी के लिए नहीं है, लेकिन सबकी कास्ट मैंने आपको बता दी है, मेन कास्ट, लेकिन आगे और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आएंगे जिनके बारे में आपको बताता रहूँगा। बाकी शो आ रहा है वेदराज की तरफ से, शोने स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस के अंडर, और ये प्रोडक्शन हाउस से रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी ज़्यादा फेमस शोज़ बनाने के लिए, जैसे कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, बेलन वाली बहू, और अपना टाइम भी आएगा जो कि जी टी वी का शो है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस शोज़ बना चुकी हैं शोने स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस, और काफ़ी ज़्यादा नए शोज़ भी लाने वाली है। अब शोने स्क्वायर जी टी वी पे भी एक शो लाने वाली है, कलर्स टीवी पे भी ये वाला ला रहे हैं, और दंगल चैनल पर भी ला ही रहे हैं। तो शोने स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस काफ़ी पॉपुलर शोज़ बना चुके हैं, एक अच्छी प्रोडक्शन हाउस है, और अब काफ़ी चैनल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके अपकमिंग शोज़ काफ़ी ज़्यादा चैनल्स पे आने वाले हैं। अब हम इसी कलर्स टीवी वाले शो की बात करें तो फिलहाल के लिए इसका किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा या फिर क्या स्टोरी होगी उस पर हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, और इनके जो करेक्टर हैं वो किस तरह के होंगे अभी के लिए हमारे पास उस पर भी डिटेल नहीं है। लेकिन जितनी भी इन्फो मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी इस पर अगर आपको आगे और इन्फो चाहिए होगी, सारे अब डिटेल्स आपको इस शो पे चाहिए होगी, तो उसके लिए आपने चैनल से बने रहना है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। कलर्स टीवी के सारे अपकमिंग शोज़ की सारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे, और इस शो पे जो भी आगे अपडेट्स होंगे सारे आप तक पहुंचते रहेंगे अगर आप चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जुड़े रहेंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर पसंद आया हो, कुछ इन्फो मिली हो शेयर कर दीजिए कलर्स टीवी के फैंस के साथ, कमेंट सेक्शन में बताइए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। बाकी जब भी इस पे और इन्फो मिलती है, जैसे कि और बाकी कास्ट अपडेट्स और स्टोरी क्या होगी, शो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कब आएगा, लॉन्च कब होगा, टाइम स्लॉट क्या होगी, किसको रिप्लेस करेगा, वो सारे अपडेट्स मैं आपको लाकर दे दूंगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।